guys, welcome back to my YouTube channel. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ कार में और ये है रमदान के एक दिन पहले वाला दिन। मैं जा रही हूँ स्टूडियो शूट करने, थोड़ा बहुत शूट करके मैं वापस आ जाऊँगी। और ये लो मैं पहुँच गई और मैंने वहाँ पे जाके शूट किया, मीटिंग की और मैंने खाया पिज़्ज़ा भी, यस, जो कि मेरा फेवरेट है। और सीधा मैं फिर रात को आ गई और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है चांद। आप सभी को चांद मुबारक। फिर मैंने शहरी से ये व्लॉग कंटिन्यू किया। हाई एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज पकन्या, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को रमजान मुबारक, आप लोगों को और आपकी फैमिली को ढेर सारा प्यार। इंशाल्लाह हम जो दुआएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे और इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, अल्लाह पाक हम सबके रोजों को कबूल करे, हम सबके घरों में खुशियां लाए, बरकत लाए और ढेर सारा प्यार लाए। और हाँ, बस अभी सुबह हुई है, आज पहला दिन है रोजे का। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप सबको पता है हमेशा मैं खुश हो जाती हूँ जब भी रमजान आते हैं। मैं क्या, हर कोई खुश हो जाता है। तो अभी बजे है 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं वैसे सोई भी बहुत ज्यादा लेट और फिर मैं उठ गई, तो मेरी आप आई से देख सकते हो। तो अभी मम्मी मुझे, अब ये सेकेंड टाइम आ रहे हैं उठाने के, उन्हें लगा मैं उठी नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। तो मैंने ब्रश कर लिया है और मम्मा साथ साथ मेरा नाश्ता भी लिया है, जो कि रहा ये हमेशा की तरह। आप सबको पता है मुझे चाय पराठा कितना ज्यादा पसंद है, तो मम्मा मेरे लिए लाए हैं चाय पराठा। ये रहा मेरा पराठा और मेरी चाय। ज्यादातर लोग चाय पराठा ही खाते हैं सुबह सुबह, और मैं इसलिए ज्यादा चाय पराठा खाती हूँ ताकि पराठा ना हैवी होता है और पूरे दिन मेरा पेट भरा रहे, इसलिए मम्मा मुझे पराठा देते हैं। चलिए खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ पराठे को ना चाय में डिप करके खाती हूँ। काफी लोग सिर्फ खा लेते हैं और फिर चाय पीते हैं, मुझसे होता ही नहीं है वो। और सुबह सुबह तो मुझसे वैसे ही नहीं खाया जाता है, पता नहीं क्यों। आज ना मेरा थोड़ा, मतलब मैं लो फील कर रही हूँ, मैं थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप लोगों को मैं व्लॉग शुरू से ही, जब मैंने स्टार्ट किया था तभी से ही पता चल रहा होगा कि मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा, बट मुझे बनाना था तो इसलिए मैं बना रही हूँ। कितने प्यार से लेता है आपके गोदी में। अच्छा, वैसे उठाओ तो भाग जाता है, प्यार करो ना अभी हम, उसकी तबीयत भी खराब लग रही है, लंबे लंबे है ना, पता नहीं गरम गरम रात लग रहा था, ठीक लग रहा है, ऐसे में मत बैठा ला करो, ला के जबरदस्ती। मैं नहीं बैठा दी, खुदा के बैठता है, तो अपने आप आए, थोड़ा सा मैं खुला छोड़ दे, इसका मन होगा तो अपना मन मन चला जाएगा। चलो सब लोग खाना बंद कर दो, और सब लोग खाना बंद कर दो, चलो चलो। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, सुबह सुबह इतनी सारी लाइट्स, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना आप सबको ओरियो से मिलवा देती हूँ। अरे यहाँ तो अंधेरा कर दिया मम्मा ने, ये देखो क्या हो गया। आई थिंक इसको ना थोड़ी इसकी तबीयत खराब सी लग रही है, क्या हो गया बाबू, ये जगह देख लिया। तो मिम्मी को रात के वक्त मिम्मी को थोड़ा ना इसके अंदर ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर होते हैं ना, और इन लोगों की बनती नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, और फिर इसको खेलने के लिए ज़्यादा चाहिए मम्मी को, तो लोग फाइट करते हैं, जिसकी वजह से ओरियो को लग जाती है और फिर बाल भी टूट जाते हैं। तो क्योंकि हम हमेशा तो बन नहीं रखते, आप सबको भी पता है, बस सिर्फ रात में सोने के वक्त मम्मी को
ऐसे रख देते हैं ताकि लोग फाइट ना करे, हम जल्दी से ठीक हो जाए। उसे इतना साथ साथ लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप सब देख सकते हैं मम्मी ने सोफा वहाँ पे कर दिया वापस से, क्योंकि मैंने उनको कहा कि पिछले रमजान में इधर था और फिर अभी पिछले कुछ व्लॉग्स देखे होंगे आपने तो इधर है, तो मैंने मम्मी को बोला वापस सेम कर दो, तो उन्होंने सेम कर दिया। तो ये चालू रहता है कभी इधर कभी उधर। तो चलो अजान हो गई और अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने जल्दी से, सो फिर मिलती हूँ। आवाज आ रही है, मैंने खा लिया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया। एक ही पराठा खाया, मम्मी ने दो दिए थे बट मुझसे अभी खाया नहीं गया, सुबह सुबह नहीं खाया जाता है। जितना भी आप कोशिश कर लो ना, मतलब खाने की ट्राई कर लो, नहीं खा सकते हैं सुबह सुबह ना उठकर, एकदम आप हैवी खा रहे हो, सिर्फ चाय पी ली जाती है। एक ही पराठा खाया और फिर पानी पी लिया और अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ना बालकनी में खड़े होके, व्यू की वजह से भी और अच्छी हवा भी आ रही है और रमजान है और सुबह सुबह उठते हैं, कितना ज्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो आज पहला रोजा है और मैं ये सब कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ना उठ के। हमेशा हर साल की तरह ऐसा सब करते हैं तो अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही सुकून होता है। और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबके रोज़ों को कबूल करे और सबके घर में खुशियाँ दे। और मैं इंशाल्लाह ऐसे ही व्लॉग्स लाती रहूँगी पूरे रमज़ान, कोशिश करूँगी ज़्यादा बनाऊँ। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है और फिर कभी कभी मैं मूड की वजह से भी थकी भी होती हूँ तो फिर मैं नहीं बना पाती हूँ। तो और फिर आप सबको पता है मुझे नेक का प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, मुझे नेक पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए मेरे व्लॉग्स इतने लेट आते हैं। मैंने काफ़ी टाइम आप सबको बता भी रखा है कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना पाती, मैं बनाती हूँ ऐसा नहीं है, मैं बनाती हूँ, मैं एडिट करके अपलोड करने में मुझे टाइम जाता है, इसलिए बहुत से ऐसे व्लॉग्स होते हैं जो मैंने आज बनाया बट मैं उसको दो महीने बाद अपलोड करी हूँ या एक महीने बाद करी हूँ या 15 दिन बाद करी हूँ। तो बट रमज़ान के व्लॉग्स ऐसे नहीं होते, नॉर्मली जो बाकी व्लॉग्स होते हैं वो लेट आते हैं बिकॉज ऑफ माई नेक, नेक की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ और फिर उसकी वजह से हर चीज़ लेट हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करती रहती हूँ जल्दी ठीक हो जाए, बट वो मेरी भी मिस्टेक है कि मैं अच्छे से बैठती नहीं हूँ, अपना पोजीशन अच्छे से नहीं रखती हूँ जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और अभी अगर आप देखोगे जैसा मैंने फ़ोन पकड़ा है इससे भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि मेरे लिए ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी है और इसको पकड़े पकड़े मेरा हाथ दुखने लगता है और हाथ दुखने से आगे पेन आता है और फिर पूरा नेक पे चल जाता है और फिर पूरा नेक से फिर वो सर में भी आ जाता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन को ऐसे जल्दी से बना के और फिर हटा दूँ, ज़्यादा मतलब मुझसे नहीं हो पाता है। सो बहुत टाइम है यहाँ पे खड़ी हो गई, अब मैं जाती हूँ मेरे रूम में, यहाँ तो एसी चल रहा है बट वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। बुला रही हूँ ना, देखो ओरियो को तो आ भी नहीं रहा है, मैं उसको बुला रही आ जा अंदर चल रहे तो नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे के बिना इन लोगों को रहना भी नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते हैं, तो जब मैं ओरियो को अंदर लेके आती हूँ तो वो भाग के बाहर चला जाता है और ऐसे बुलाती हूँ तो आता भी नहीं है। देखो अब आया आ गया, कब से मैं उसको बुला रही हूँ ना, तब वो बोला फाइनली रुको छोटी पा मैं आ जाता हूँ। क्या हुआ? बाय बाय बाय, सो क्यूट माशाल्लाह। हाय एवरीवन, सो सुबह हो गई है और क्या आप सबको पता है मैं एक मिनट भी नहीं सोई, मैं तब से ही जागी हूँ बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैं अभी उठ के फिर मैंने शावर भी ले लिया और अभी अजान का भी वक्त हो गया, सोचो इतने टाइम से मैं अभी डायरेक्ट शूट कर रही हूँ और मैं अभी नमाज पढ़ने जाऊंगी और आप पीछे देख सकते हो रही हो बैठा है और मैं कुछ तो ना करने वाली हूँ क्योंकि इस वाले हिजाब में ना पूरे हेयर दिखते रहते हैं, सो मैं कुछ कैप पहनूंगी या फिर दूसरा हिजाब चेंज कर लूंगी। सो मैं जाती हूँ नमाज पढ़ के आती हूँ। और हाँ, ये रमजान का पहला जुमा है तो आप सभी को जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो मैंने नमाज पढ़ ली है
और मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ, मम्मा सामने नमाज पढ़ रहे हैं। और यो अगर आज आपने ध्यान दिया होगा तो आज मेरा रूम पूरा क्लीन है, देखो। आज कुछ भी नहीं, अच्छा चलो पिल्लो थोड़े इधर उधर हो गए चले गए क्योंकि मैं बैठती हूँ, तो वरना हमेशा हर व्लॉग में मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो एक कमेंट भी मैंने पढ़ा था कि अरशपा का व्लॉग अधूरा है अगर वो अपने रूम की सफाई ना करे तो। तो मैं उसको पढ़ के बहुत ज्यादा हंस रही थी वो टाइम, तो मुझे अभी एकदम से ध्यान में आया तो मैंने सोचा आप सबको बता दूं। ये देखिए आप लोग, ये देखा इसको, इतने प्यार से सो रहा है। इसको प्यार से बुलाओ ना तो ऐसे ऐसे हाथ देखे इसके, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मतलब उसको समझ में आता है कि हम उसको प्यार कर रहे हैं तो फिर वो और प्यार दिखाता है कि कुकू, मतलब ऐसे बीमार नहीं है, साठ साठ सा लग रहा है, अपने में ही बैठा है, खेल नहीं रहा है ज्यादा, वैसे भी कम ही खेलता है बट अब तो बिल्कुल नहीं खेल रहा है ऐसे। सो 5:30 हुआ है और मम्मी शुरू हो गई है इफ्तारी की तैयारी करने, और 6:54 का है इफ्तार का टाइम, तो उससे पहले मम्मी को सब बनाना है। मम्मी काम पे लग गई है और अभी असर का वक्त हो गया और मैं जाऊंगी नमाज पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैंने नमाज पढ़ ली है और मैं अब जा रही हूँ हॉल की तरफ। मामा मैं आपको लूँ, देखो मम्मा आ रही है, फिर मैं मम्मी को भी दिखाती हूँ, कब से मैं ही अकेली दिखे जा रही हूँ। तो अभी मम्मी फ्रूट्स काट रहे हैं सारे, क्या क्या है मैं बता रही हूँ, पाइन एप्पल है, पपाया है, बनाना है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, खरबूजा है वो। इधर से कुछ अलग ही दिख रहा है, चीकू भी है ना, हाँ चीकू भी है, मुझे पसंद है चीकू। जमीन में बैठे कितनी अच्छी यहाँ से धूप आ रही है एकदम शाम की, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे कैमरा पे, आप सब देख सकते हो। सो ये मेरी रियल आई कलर, काफी लोग पूछते हैं कि आपका रियल आई कलर क्या है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ उनको डार्क ब्राउन है बट धूप में लाइट ब्राउन दिखता है। सो अगर आप देखोगे ध्यान से ये तो धूप में हल्का सा लाइट ब्राउन दिखता है बट है देखा जाए डार्क ब्राउन ही, सो यस। बट अगर आप ऐसे सामने से देखोगे बिना धूप के तो वो ब्लैक ही दिखता है, और पिक्चर्स में भी ब्लैक ही दिखता है। तो मम्मी आ गए हैं। मम्मी फ्रूट्स काटने की तैयारी में करती हुई। अच्छा आपने सलाम तो नहीं किया आज, वालेकुम अस्सलाम। अरे वो ये रमजान मुबारक तो कर दो आप, करो पहले। नहीं करो, नहीं नहीं, नहीं, नहीं करो ना, अच्छा लग रहा है। नहीं पहले फिर से बोलूंगी, नहीं फिर से नहीं होगी। बोलो ना मम्मा, अरे आप मुबारक हो लेकिन फिर से मम्मा, नहीं ना बोलो ना, बोलो ना, बोला तो रमजान मुबारक, अच्छे से बोलो आप सभी को क्या। हाँ शीरो आपने बोला नहीं, बोलो आप सभी को, फनी है बहुत अच्छा, बोलो आप सभी को रमजान मुबारक। मुझे सिखा रही हो, बता रही हो, नहीं, नहीं मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस मतलब फनी अच्छा लग रहा है, आप जो तक क्यूटली बोल रहे हो, नहीं आप फनी नहीं हो बट आप जिस तरह बोल रहे हो। अच्छा ये भी तो बोलो आप सब खुश रहो, आपके परिवार में सब खुश रहे। आप बोल दो, मेरे बदले मुझे आता नहीं कुछ बोलना, आप सिखा दो। बोलो ना मम्मा, क्यूट लग रहे हो आप, बोलो मत, मेरा मजाक नहीं उड़ा रही, आप अच्छे लग रहे हो। नहीं मैं सच में आपका मजाक नहीं उड़ा रही। तो मम्मा काट रहे पनाया बोलने वाली थी मैं, पपाया, और मुझे क्या काम दिया था आपने, अब जो है ना ये उठाओ एक एक प्लेट करके और फ्रीजर में रख दो ठंडा, ये ओके बंद हो गया, रखना है। हाँ कितना फास्ट फास्ट कट करते हैं। मम्मा आपको बचपन से आता है ना ये सब, आपका हिजाब ऊपर करो ना, बिल्कुल मैं कर देती हूँ ना अभी, हाँ मालूम है बस अभी ठीक है। आप ऐसे ऐसे देख रहे हो कब से, क्या बोल रहे हो, नुमान आ रहा है, अरे वाह उसका रोजा है, इफ्तार ही लेके आएगा वो। मम्मा यहाँ से कितनी अच्छी धूप आ रही है जो सिर्फ मुझ पर आ रही है फिलहाल, अभी बहुत अच्छी थी अभी चली गई, पर्दा खोल दूं, नहीं अगर खोलो तो पता चले कि
मम्मी आज दिखाई नहीं, कब से सो रहा है वो, आज इधर। हाँ मम्मी का ये झूला है ना यहाँ पे, तो वो फिक्स है उसका, तो ये फिक्स है, तो वो वहाँ पे ओरियो को बैठने ही नहीं देता है। तो जब ओरियो देखता है ना, ओरियो को ऐसा मौका मिलता है कि मम्मी है नहीं। हाय मम्मा, हाय, गोदी नहीं आना है, गोदी नहीं आना। इसकी आंखें कितनी प्रेटी लगती है ना, ग्रीन आईज है इसकी। चलो मम्मा फ्रूट्स काट ले, सब नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज ये सब बनाएंगे। ये हाँ मैं पढ़ के आ गई, हम दोनों साथ में गए थे पढ़ने, आप बाहर पढ़ रहे थे, मैं अंदर पढ़ रही थी। तो मम्मी ने बोला ये भी रख दो यहाँ पे, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तो फिर क्योंकि मैं साथ में व्लॉग भी शूट कर रही हूँ मम्मा, तो मेरा एक हाथ तो फ्री है ही नहीं। मम्मी मैंने शूट नहीं किया ऐसे, वो वहाँ पे बैठा था उसके ऊपर कूद गया एकदम से, बदमाश है ये बहुत। दोनों ही प्यारे बच्चे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो इधर नगेट्स बना रहे हैं मम्मा। ठीक है नगेट्स है ना, ये वाले कैसे ब्राउन हो गए ना, हम पहले डाले थे। फ्रिज से खजूर और केचप निकालो, ये रही केचप और खजूर कहाँ पे है, ये रे खजूर है, नहीं ये तो खचार है। ऐसे ही होता है ना, हम ढूंढते रहते हैं हमें मिलता ही नहीं है, फिर मम्मी वहां से बोलती है अब मैं आई ना और मुझे मिला तो बताती हूँ, और वो आते हैं तो पता नहीं वहां पे अचानक से वो चीज कहाँ से आ जाती है, वरना तो वो दिखती नहीं है हमें। किस किस के साथ ऐसा होता है जरूर बताएं। आई एम श्योर ये हर किसी के साथ होता होगा और सबकी मम्मियां सेम ही डायलॉग मारती है। मिला इधर ही तो रखा है सामने, मुझे नहीं दिख रहा था। मैं रख रही हूँ टेबल। क्या बना रहे हो मम्मा? आलू के मेरे फेवरेट मोमोज। ओ मेरे हाथ का चीज मोमोज वो फ्राई कर रहे हैं। आज 15 मिनट बचे इफ्तार में और मम्मी ने कहा उतनी देर में बन जाएगा, तो मैं यहाँ खड़े होके देखती हूँ। चल ये तो ठंडे भी हो जाएंगे इतनी देर में। मैं इधर चटनी डाल रही हूँ। हाय नमन, वेट वेट ब्लर ऑफ ब्लर, वेट वेट वेट। हाय नमन, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोलेगा आज, भूल गए आप? बोलो अब। अस्सलाम वालेकुम। अरे रुको खड़े हो, कुछ बात करनी है। सबको बोलो क्या है आज, पहला रोजा। सबको बोलो रमजान मुबारक। हाँ मम्मा पीछे से बोल रही है, सबको सिखा रही है, इसको बोलते नहीं है इसलिए बुलवाना पड़ रहा है। हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक। नुमान के फेवरेट मोमोज बन रहे हैं, मेरे भी फेवरेट है वैसे तो, टेस्टी लगते हैं ना। ये क्या आप थम्स अप करने लगा है, ये पिछले वीडियो में भी आप बहुत कर रहे थे ना, मैंने नोटिस किया है, ये ऐसा बहुत करने लगा है। रिमेम्बर कब किया था आपने, बता उनको। पिछले ईद में याद है, अगर आप लोगों ने पिछले वाला ईद का व्लॉग देखा है मेरा तो आप लोग को पता होगा ये पिच क्या है। सो मैं तो कुछ तो काम कर रही थी और कुछ आप लोगों से बातें कर रही थी, तो बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया और स्प्रे लेके कैमरे को देख के पिच ऐसे करने लगा, और फिर जब बाद में हमने उस वीडियो को देखा तो हम लोग इतने जोर जोर से हंस रहे थे कि ये इसको क्या हो गया, ये बीच में ऐसे कैसे आ गया, क्या कर रहा है ये। तो फिर अब वो दिमाग में बैठ गया है कि ये पिच क्या है, तो ये जब भी आता है ना तो ये ऐसे बोलता रहता है। ये भी उसका अभी तक चालू है, 1 साल हो गया खत्म ही नहीं हुआ। 55 उसमें जो मेरे पास शीट है ना उसमें 54 लिखा है। मम्मी को बोल दूं वो अजान होने वाली है और हम लोग ने ऑलमोस्ट सब कुछ रख दिया है। मैं इधर कर दूं, बस फ्रूट्स और ये सब इधर जाएंगे, इधर ग्रेप जाएंगे और फिर इधर ये रख दूँ और फिर ये यहाँ पे रख देता। ओ हाँ अच्छा, फ्रूट्स ज्यादा है रख दे यहाँ पे। तो ये रही हमारी पहली इफ्तारी, सब बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है ना नुमान। अब जल्दी से लूट पड़ो, टूट पड़ो मम्मी, सब टूट पड़ो जल्दी से,
सब जो टूट पड़ो, मैंने पहले बोला लूट पड़ो। अजान होने वाली है ना, बस एक दो मिनट ही बचा है। खजूर अब सास में सास आई, ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, जान में जान आई। सास में सास आई, वाओ। इनकी सास में सास, जान में जान आई। व्हाट अ डायलॉग, कुछ अलग ही बोला उसी तरह। अब जान में जान आई क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है। लूट पड़ो, लूट पड़ो। मम्मा आपको भूख लगी दिन भर? नहीं लगी। नुमान आपको थोड़ी बहुत लगी भूख? लगी बहुत, मुझे भी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। तो देखो मम्मा कितनी जल्दी जल्दी भाग भाग के उस तरफ चले गए, क्योंकि उस तरफ उनके फेवरेट फ्रूट्स जो रखे हैं अपने फ्रूट्स खाने के लिए, वो उधर चले। और मेरे फेवरेट चीज ये सब है, मैं ये सब बहुत अच्छे से खा लेती हूँ पेट भर के। ये मोमोज किया, अजीब मोमोज क्यों लग रहा है, मीठी खा रही हूँ। मीठी है ना ये, मीठी। ये वाले अच्छे हुए ना, तो आप ये वाले ही लाना। अक्कड़ बक्कड़ वापस मोमोज जान को चीनेंगे ना तूने मोमोज के चक्कर में? नहीं हमने खा लिया है, नुमान का थोड़ा ही बचा है फिर वो खा लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, पहला रोजा मुकम्मल हो गया एकदम अच्छे तरीके से। और अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। मम्मा नमाज पढ़ ली? कितने आराम से सो रहा है। बोल रहे ये कौन आ गए मुझे परेशान करने, मैं अच्छा खासा सो रहा हूँ। चलो नींद निकाल लो। आपने कुछ नहीं खाया? आपने इफ्तार नहीं किया? आपने लोजा नहीं रखा? छोटा नमूना, छोटा नमूना। कितने क्यूट क्यूट, आपकी तरह नहीं लगता, मेरी तरह लगता। सो हम नमाज पढ़ के आ गए और नुमान का अभी भी खाना चालू है, जैसा आप सब देख सकते हो। वो आप पता है नमाज पढ़ के खा रहे हैं। मैं आ रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आओ ना मम्मी आते। क्या किया देगा? नहीं लेना आप जाओ। सो बहुत अच्छा रोजा गया, अच्छे से खा भी लिया। और ये था मेरा पहला रोजा व्लॉग, इस रमजान का पहला, इस रमजान का पहला व्लॉग, इस रमजान का पहला रोजा व्लॉग। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप सबका रोजा कैसा गया और आप सबको भूख लगी कि नहीं लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं वो भी मुझे जरूर बताएगा, वो भी ऑफकोर्स रमजान में ही होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर लाइक दिस वीडियो टू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। मैं जाऊं गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में। बाय, टाटा, सी यू।